जय श्री राम। प्रिय साथियों, आज हम आपको हनुमान जन्मोत्सव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 राशियों के अनुसार आप हनुमान जी की उपासना कैसे करें। इस साल यानी सन 2023 में हनुमान जन्मोत्सव कब है, आइए जानते हैं। चैत्र माह में पूर्णिमा को प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन को हनुमान जयंती कहने के पक्ष में नहीं है, उनके अनुसार श्री हनुमान जी चिरंजीवी हैं, इसलिए उनके लिए जन्मोत्सव शब्द का प्रयोग करना चाहिए। चैत्र माह में पूर्णिमा 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर समाप्त होगी। उदय तिथि को महत्व देते हुए हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल 2023 को पूरे हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनेगा। हनुमान जन्मोत्सव चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार इस तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल की सुबह 9:19 पर हो रही है। यह तिथि अगले दिन 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर समाप्त होगी। उदय तिथि को महत्व देते हुए 6 अप्रैल को पर्व मनाया जाएगा। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:48 तक है। इस दिन अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त भी सुबह 7:48 से 9:21 तक है। शुभ और उत्तम मुहूर्त सुबह 10:53 से 12:26 तक है। इन शुभ मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आइए अब हम हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि जान लेते हैं। सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। हनुमान जी की पूजा के लिए घी का दीपक जलाएं और कच्चा दूध, दही, घी और शहद से बजरंग बली जी का अभिषेक करें। हनुमान जी को फूल, धूप, अगरबत्ती, लाल या पीला कपड़ा अर्पित करें। इस पूजा विधि के संपन्न होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बाण, सुंदर कांड और रामायण का पाठ भी करा सकते हैं। ऐसा करने से बजरंग बली का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 12 राशियों के अनुसार आप हनुमान जी की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए इस विषय को सुनते हैं। मेष राशि, एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करें तथा हनुमान जी पर बूंदी चढ़ाकर गरीब बच्चों में बांटें। वृष राशि, रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर मीठा रोट चढ़ाकर बंदरों को खिलाएं। मिथुन राशि, रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर पान चढ़ाकर गाय को खिलाएं। कर्क राशि, पंचमुखी हनुमंत कवच का पाठ करें तथा हनुमान जी पर पीले फूल चढ़ाकर जल में प्रवाहित करें। सिंह राशि, रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर गुड़ की रोटी चढ़ाकर भिखारी को खिलाएं। कन्या राशि, रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करें तथा हनुमान मंदिर में शुद्ध घी के 6 दीपक जलाएं। तुला राशि, रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर खीर चढ़ाकर गरीब बच्चों में बांटें। वृश्चिक राशि, हनुमान अष्टक का पाठ करें तथा हनुमान जी पर गुड़ वाले चावल चढ़ाकर गाय को खिलाएं। धनु राशि, रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर शहद चढ़ाकर स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। मकर राशि, रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर मसूर चढ़ाकर मछलियों को डालें। कुंभ राशि, रामचरितमानस के उत्तर कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर मीठी रोटियां चढ़ाकर भैंसों को खिलाएं। मीन राशि, हनुमंत बाहुक का पाठ करें तथा हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा या पताका चढ़ाएं। प्रिय मित्रों, इसके साथ ही आप शनिवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को भी कर सकते हैं। शनिवार का दिन भगवान बजरंगबली को समर्पित है। उस दिन इन 5 मंत्रों से पवन पुत्र बजरंगबली को प्रसन्न किया जा सकता है। इन मंत्रों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रिय मित्रों, इन बताए गए उपायों को करके आप हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की कृपा को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही नित्य श्री सीताराम जी का निष्ठा पूर्वक नाम जप करने से भी हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम।